सो रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा. उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं वो कॉन्शियसनेस हूँ, आई एम दैट पर्सन जिसके अंदर सारी डिज़ायर्ड स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, मतलब जो चीज़ मैं चाहता हूँ उसको पाने की खुशी, वो स्टेट जिसे मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मेरे अंदर है, वो फीलिंग मैं चूज करने पे फील कर सकता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग एनी टेक्निक? इज इट पॉसिबल कि मैं सिर्फ डिक्लेयर कर दूँ कि मेरे पास वो चीज़ है? और मैंने उन्हें ये आंसर दिया कि यू कैन डू दिस, यू कैन जस्ट डिक्लेयर कि यू हैव योर डिज़ायर, 100% यू कैन डू दिस. आज का वीडियो थोड़ा सा एडवांस्ड होने वाला है, थोड़ा सा हायर लेवल का है. ऐसा नहीं है कि टेक्निक्स काम नहीं करती, ऑल दीज टेक्निक्स आर वेरी पावरफुल वे ऑफ मैनिफेस्टिंग, बट आज हम कुछ मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग दिस टेक्निक साफ करेंगे, उन्हें क्लियर करेंगे. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सकें अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेक्निक्स जो हैं वो सिर्फ तरीका है, उसकी वजह से आप डिज़ायर्ड स्टेट में नहीं जाते. हाँ, वो हेल्प कर सकती है आपको वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन टेक्निक मेन रीज़न नहीं है कि आप डिज़ायर्ड स्टेट में शिफ्ट होते हैं. टेक्निक्स आर पावरफुल, बट देयर इज़ सम अदर रीज़न कि हम डिज़ायर्ड स्टेट में शिफ्ट होते हैं. हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि आप इन टेक्निक से मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, और मैंने बहुत से वीडियोस भी बनाए हैं इस पे. बट आज मैं बात करने वाली हूँ कि टेक्निक्स प्रैक्टिस करने से आप डिज़ायर्ड स्टेट या कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, अगर एज एन अवेयरनेस. अवेयरनेस क्या है? जैसे अभी आप अवेयर हो दैट, लाइक आई एम अवेयर राइट नाउ दैट आई एम अ गर्ल. वैसे आप अभी अवेयर हो दैट यू आर अ बॉय और यू आर अ मैन और यू आर अ वुमेन. योर अवेयरनेस. यूजुअली क्या होता है, जब हम टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं, आपकी अवेयरनेस आपके दिमाग में ये होती है कि आई विल डू दिस टेक्निक जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस आई विल गेट समथिंग इन फ्यूचर. आपकी अवेयरनेस क्या है कि ये करने से अभी मुझे मिलेगा. आप उस टेक्निक को मेन रीज़न बना रहे हो, और अपनी अवेयरनेस, अवेयरनेस एज इन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आपको कह रहा है उस टाइम पे व्हाइल प्रैक्टिसिंग दैट टेक्निक, उसे नहीं बदल रहे. इसीलिए टेक्निक्स आर नॉट द ओनली कॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन. ओके, सो आज ना पहले तो मैं सारे मिसकंसेप्शंस जो हम सुनते हैं यूट्यूब वीडियोज पे, जैसे बहुत सारी टेक्निक्स हो गई, 369, 555, स्क्रिप्टिंग, विजुलाइजेशन, अफर्मिंग. यूजुअली हमें ये सुनने को मिलता है कि मैंने हर रोज़ ये स्क्रिप्ट किया तो मुझे मेरी डिज़ायर मिल गई, मैंने 1000 बार अफर्म किया तो मैं स्टेट में चली गई और मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन मिल गई, मेरे पास एक विजन बोर्ड था, मैंने उसे बनाया और मैं मैनिफेस्ट कर पाई. जो मैं सोचने लग पड़ी थी उसे देख के, मैं देख रही थी कि वही चीज़ें सच हो रही थी. ये सब मिसकंसेप्शंस हैं कि ये जरिया हैं जो आपको डिज़ायर्ड स्टेट में डालती हैं, कि यही एक रीज़न है जिससे आप शिफ्ट कर सकते हो. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप ये टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे थे. यूजुअली ये एक मिसकंसेप्शन है कि आप एक टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे थे और आपको साइंस दिखना शुरू हो गए उस चीज़ से रिलेटेड अपनी रियलिटी में, और फिर एक दिन आपको एक ऐसा साइन दिखा जिससे आपको पता लग गया कि बस अब जो मैं चाहती थी वो होने ही वाला है. एंड फिर आपको एक हफ्ता बाद में या एक महीना बाद में आपको वो चीज़ डन नज़र आती है,
एंड आप बोलते हो कि हाँ मुझे वो साइन मिला था इसीलिए मैंने मैनिफेस्ट किया. बट ये एक मिसकंसेप्शन है. यूजुअली लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशंस या किसी की बात जिस तरीके से वो बोलते हैं अफर्मेशंस, वैसे करने से हम डिजायर्ड स्टेट में जा सकते हैं, कि एक बहुत आम मिसकंसेप्शन है. देखो, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि आपको वो साइन मिला था और साइन मिलने की वजह से आपको लगा कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना, वो चीज़ वो लगा किसे? आपको, आपकी अवेयरनेस को, है ना, कि हाँ अब ये चीज़ होने वाली है. आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया उस टाइम पे क्योंकि आपको वो साइन मिला. साइन तो रियलिटी में मिला लेकिन एक्सेप्ट आपने अपने दिमाग में किया. अगर वो साइन नहीं भी मिलता आपको, आप तब भी एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन आपने वो साइन देख के ही एक्सेप्ट किया. और जब एक्सेप्ट किया, आपने उस अवेयरनेस को जाने अनजाने में पकड़ लिया कि हाँ अब होने ही वाला है, अब होने ही वाला है. जैसे हम मैगी बनाते हैं तो हमें पता है कि हाँ अगले 2 मिनट में मैगी बनने ही वाली है और बनने ही वाली है और वो बन जाती है. वैसे ही आपने उस अवेयरनेस को जाने अनजाने में पकड़ लिया कि हाँ मुझे एक साइन मिल गया, मुझे तसल्ली है कि होने वाला है या हो जाएगा. पकड़ा किसने? आपने. आपने बाहर जो भी हुआ, लेकिन शिफ्ट तो आपके अंदर ही हुआ ना. शिफ्ट आपके अंदर हुआ, एक्सेप्ट आपने किया एज एन अवेयरनेस कि आई फील नाउ इट विल बी डन. और अगर आप ऐसे बोलते हो ना कि मुझे फीलिंग नहीं आती कि ये चीज़ होगी, तो वो भी आप ही चूज कर रहे हो. आप अवेयर हो इस चीज के. अब जब आप टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हो, सपोज आपने 100 times एफर्मेशन बोली, अपनी एक एफर्मेशन 100 times बोली. अब जब आप बोल रहे थे, आपके दिमाग में वो बात रिपीट होना शुरू हो गई. और बोलते बोलते सपोज आपको किसी को 20th time पे कोई फीलिंग आ गई, किसी को 70th time पे कोई फीलिंग आ गई कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी. अगर नहीं भी आई तो जब 100 times अफर्मेशन करके उठे, उनको कोई साइन दिखा वही, और जब उन्होंने वो टेक्निक प्रैक्टिस की, जाने अनजाने में उनकी वो अवेयरनेस बन गई कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है. इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कैसे एक सडन शिफ्ट हुआ मेरे अंदर. सडन ही शिफ्ट होता है, बस आप वहाँ तक बिल्डअप करते हो टेक्निक्स के थ्रू या आप नॉलेज एक्सपैंड करके बिल्डअप करते हो वहाँ तक. और वो एक सडन शिफ्ट होता है कि जाने अनजाने में आप पकड़ लेते हो उस चीज़ को. कॉज कोई टेक्निक नहीं होती, कोई रियलिटी में साइन नहीं होता, कोई पर्सन नहीं होता, किसी की कोई बात नहीं होती. हाँ ये जरिया हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दीज आर वेरी वॉट यू से, दीज आर द वेज, बट ये कॉज नहीं है. कॉज एज इन ये हेल्प नहीं करते आपको शिफ्ट करने में. आपकी अवेयरनेस शिफ्ट होती है. आप कॉज हैं टू गेट इन टू दैट डिजायर्ड स्टेट. एंड वो कैसे होगा? The thing that you are aware right now, the thing you honestly feel right now about yourself, with honesty that you say in your head, that is your awareness. And in that awareness, if you start repeating, not even repeating, if you just declare, aap abhi sirf ghoshna kar do ki mere paas hai, उस ऑनेस्टी में, उस अवेयरनेस में, एंड उसे वहाँ पे पकड़ लो, जाने अनजाने में या जान के या ना जाने, आप बस पकड़ लो उस चीज़ को. आपको कोई टेक्निक भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. फिर आप बस उस अवेयरनेस में, वो ऑनेस्टी, जैसे अभी अगर मैं बैठी हूँ तो मैं ऑनेस्टली ये सोच रही हूँ कि मेरे बाल इतने अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, दिस इज़ माई ऑनेस्टली, मतलब माई ऑनेस्ट थाट्स. Why? Because I have not styled them. I जो जैसे कल वाले curls थे, बस मैंने वो किया है. Not even that. मतलब जुड़ा किया हुआ था ना, I just opened them. This is my honest thought. I am aware of this thing. But इन्हीं honest thoughts में if I start shifting कि मेरे hairs तो एकदम perfect है, honestly, like in my mind, कि हाँ मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, it is beautiful, it is perfect the way it is, it is perfect the way it is, honestly, like if I become aware of this sentence, you just shift, and ye sudden hota hai. Ab bahut sare log ye cheez kar kyun nahi pate, theek hai, matlab
वो टेक्निक्स में उलझे हुए रह जाते हैं कि शायद मैं विजुलाइज करूंगी, शायद मैं अफर्म करूंगी तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट ऐसे वो कर क्यों नहीं पाते? सडन हर कोई क्यों नहीं कर पाता? उसका रीजन है कि बहुत सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनकी लाइफ में जो भी अभी तक हुआ है उन्होंने खुद मैनिफेस्ट किया, वो चाहते थे कि उनके साथ हो। तो बहुत सारे लोगों को अगर मैं ये बोलूँगी तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ईशा, हम नहीं चाहते थे कि हमारे साथ इतना बुरा हो। मैंने कहा भी नहीं कि आप चाहते थे, आप ना चाहते हुए उसके बारे में सोचते थे या वो फीलिंग आपके अंदर थी एंड आपने सिर्फ उस पर ध्यान दिया। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर यू आर। एंड ये चीज़ बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, देर इज नो एक्सेप्टेंस फ्रॉम देयर साइड। एंड इसीलिए जब उनको मैं सडन शिफ्ट करने के लिए कहती हूँ तो उन्हें डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आते हैं कि अच्छा अगर ऐसे है तो मतलब मैंने जो पहले चीज़ मैनिफेस्ट हुई थी, मेरे साथ जो गलत हुआ था, वो क्या मेरी कॉन्शियसनेस में ही था? मैं चाहती थी ऐसा हो। एंड वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर लाइफ, देअर मेस इन द लाइफ, एंड दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव देमसेल्व्स एंड नॉट इवन अदर पीपल। दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू हैव दैट सडन शिफ्ट। अब यूजली मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, जैसे अगर आप एक फैमिली में रहते हो जो कि बहुत मैसी है, द रिलेशनशिप्स आर नॉट गुड, बट यू आर लाइक कि सपोज आपकी फैमिली में किसी और का झगड़ा होता है एंड यू आर जस्ट सिटिंग देयर एंड ऑब्जर्विंग कि समबडी इज फाइटिंग इन योर फैमिली एंड यू लाइक ये है ही ऐसे हैं एंड यू थिंक अबाउट देम कि कैसे कैसे लड़ते हैं ये या क्या है वो है। द पॉइंट हियर इज आप चाहते नहीं हो लेकिन आप उस पर ध्यान लगाते हो, यू फोकस ऑन इट एंड व्हेन यू फोकस यू आर इनडायरेक्टली गिविंग इट पावर, यू आर इनडायरेक्टली ग्रोइंग इट एनर्जेटिकली। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कैसे हैं, यू शुड हैव सेड सब ठीक है, everybody is calm, everybody is positive. That is how you are changing and you are responsible for everything around you. And when you are trying to manifest, aapki life mein distractions bhi kam hote hain. So everything that is happening around you, you are solely responsible for it. Ye cheez accept nahi kar pa rahi hai aadhi se zyada duniya, क्योंकि लोगों ने इतना पेन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है दैट दे नो नथिंग अबाउट लाइक नथिंग एनीथिंग एल्स देन पेन, दे डोंट नो एनीथिंग एल्स देन पेन। एंड व्हेन यू फॉरगिव एंड एक्सेप्ट कि हाँ जो भी अभी तक हुआ इट वाज मी एंड नाउ आई जस्ट डिक्लेयर, अब मैं सिर्फ डिक्लेयर करती हूँ कि मेरे पास मेरी डिजायर है, आई हैव इट, तो आपके पास ना डाउट्स नहीं आते, आपको सेकंड थॉट्स नहीं आते कि व्हाट इफ नहीं हुआ तो, व्हाट इफ नहीं हुआ तो, ये सेकंड थॉट्स नहीं आते। यू जस्ट डिक्लेयर इट, घोषणा करते हो आप एक अपने दिमाग में, अपनी अवेयरनेस में कि हाँ आई जस्ट हैव इट एंड देर आर नो डिस्ट्रैक्शंस, नो थॉट्स, दिस इज लाइक सडन। अगर जैसे अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो तो आप बोलोगे कि कौन सुन रहा है, तो आप बोलोगे मेरे कान, है ना, लेकिन उस कान के थ्रू जब आवाज अंदर जाती है और यहां पे थॉट्स आते हैं, है ना, वो थॉट्स कौन सोच रहा है? आप, यू आर प्रोसेसिंग दोज थॉट्स, यू आर मेकिंग, यू आर क्वेश्चनिंग दोज थॉट्स ऑल्सो, यू आर मेकिंग थॉट्स विच आर ऑपोजिट टू माई वर्ड्स, यू आर द वन हु इज प्रोसेसिंग एंड क्वेश्चनिंग, कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। कान तो एक जरिया है ना, लेकिन प्रोसेस तो आप कर रहे हो ना, यू आर द कॉज। सिमिलरली वो यू, वही आप अगर इस टाइम पे सिर्फ ये डिक्लेयर करते कि मेरे पास मेरी डिजायर है, यू डोंट नीड एनी टेक्निक, दैट इज हाउ मच पावरफुल यू आर। आई नो सब लोगों को ये चीज शायद समझ नहीं आएगी, कुछ लोग थोड़ा टाइम भी लेंगे इसे समझने के लिए, बट इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। जो लोग टेक्निक्स कर रहे हैं आप करो, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, यू जस्ट डू ऑन, गो ऑन डूइंग टेक्निक्स, ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय रिपीटेडली वॉचिंग दिस वीडियो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स,
दैट्स इट। बट आप अपनी टेक्निक्स करते रहो, आप टेक्निक्स करो, ठीक है। मैं भी बहुत सारी टेक्निक्स करती हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, मैं विजुअलाइजेशन भी करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बट समटाइम्स आई प्रैक्टिस दिस ऑल्सो एंड दिस इज एन एडवांस्ड वे। अगर नेविल गोडार्ड मैनिफेस्ट करते थे तो वो ऐसे ही करते थे। ही हैज सेड, ही हैज टॉक्ड अबाउट विजुअलाइजेशन, ही हैज टॉक्ड अबाउट वेरियस थिंग्स। वो रिविजन के थ्रू भी मैनिफेस्ट कर लेते थे, वो स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी मैनिफेस्ट कर लेते थे, वो एफर्मेशंस के थ्रू भी मैनिफेस्ट कर लेते थे, वो एग्जैक्ट वर्ड्स जो अपनी इमेजिनेशन में सुनते थे वो भी मैनिफेस्ट कर लेते थे। कैसे? बिकॉज वो डिक्लेयर करते थे अपने दिमाग में कि आई हैव इट नाउ। उनकी अवेयरनेस, उन वो जो कॉन्शियसनेस में थे, लाइक आई मीन टू से जितनी भी कॉन्शियसनेस उनके अंदर थी, है जैसे हमारे अंदर बेसिकली, ही वॉज एबल टू चूज द कॉन्शियसनेस दैट ही वॉन्ट्स एंड ही यूज टू होल्ड इट जाने अनजाने में। आई डोंट नो बिकॉज आई वॉज नॉट इन हिज ब्रेन, बट ही वॉज एबल टू होल्ड दैट थॉट, ही वॉज एबल टू होल्ड दैट अवेयरनेस। वो टेक्निक्स पे डिपेंडेंट नहीं होते थे, वो डिपेंड होते थे इस चीज में। ही यूज टू ड्वेल हिमसेल्फ इन दिस फीलिंग दैट इट्स डन, बिकॉज आफ्टर डिक्लेयरिंग वन थिंग यू सिट बैक, यू रिलैक्स। ही वॉज एबल टू शिफ्ट ईजिली इन टू द अवेयरनेस। वाई वाई? बिकॉज उनको ये चीज समझ आ गई थी कि टेक्निक्स आर जस्ट द वे, बट इन एक्चुअलिटी यू आर द कॉज। You shift, you choose the awareness that you want to be in. Techniques optional hai, lekin I am, ki main hoon wo, jo aapki awareness is time pe honestly, agar aap apne aap se baat karo, to aapko honest answer milega, where do you stand? Do you really feel that you have your manifestation? Do you really have that feeling? Do you accept it? Agar answer no hai, us no mein aapko apni बात को डिक्लेयर करना है, मेरे पास है, एंड देयर यू हैव टू होल्ड दैट थॉट विदाउट हैविंग एनी सेकेंड थॉट्स, एंड दैट कम्स थ्रू एक्सेप्टेंस दैट यू आर द ऑपरेंट पावर, यू आर द पर्सन हु इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। एक्सेप्ट इट दैट यू क्रिएटेड इट एंड आप ही इसे रिजॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का वीडियो थोड़ा एडवांस्ड था, क्यों? क्योंकि मैंने आपको टेक्निक्स पे नहीं, अपनी अवेयरनेस पे काम करने को कहा है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट मैं थोड़ा एडवांस्ड में आपको समझा सकूं कि इट्स एक्चुअली नॉट योर टेक्निक्स, इट्स एक्चुअली यू। एंड अगर हम इस टॉपिक पे और बात करना आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड एक मेरे को कमेंट भी आया था कि सेल्फ लव की सीरीज स्टार्ट करो, वो जल्दी ही मैं स्टार्ट कर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।